हेलो फ्रेंड, सबके स्वागत है आपके सेशन में। जीएस के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मान, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नोबेल पुरस्कार है ना, और भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये कब शुरू हुए थे और किसको किसको मिले थे, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुए, है ना, भारत रत्न कब से शुरू हुआ, इस टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एडमिशन होगा नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है बेटा, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में लिखूं, देखो इसकी स्थापना 1901 में, इसकी स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने की। अल्फ्रेड नोबेल ने की 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना की। अल्फ्रेड नोबेल ने की, देखो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इन्होंने डायनामाइट की खोज की। जो नोबेल पुरस्कार था उसकी शुरुआत किसने की थी 1901 में, वे अल्फ्रेड नोबेल ने की। अल्फ्रेड नोबेल कहां के थे, स्वीडन, ये भी लिख रहे कि स्वीडन के थे ये, और इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। अब देखो नोबेल पुरस्कार जो था, नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ था, और ये कहां दिया जाता है, स्टॉकहोम। देखो यह पुरस्कार, यह पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किंतु शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, ठीक है। देखो जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का जो नोबेल है वो कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लिखो नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिया जाता था, तो पहले नोबेल 5 विषयों के लिए दिया जाता था, पहले 5 विषय के लिए मिलता था, पहले 5 विषय के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था, किंतु 1967 से, किंतु 1967 से, 1967 से स्वीडन सेंट्रल बैंक ने, स्वीडन सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू किया, अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू किया, ठीक है। देखो नोबेल पुरस्कार जो था वो 1901 से शुरू हुआ था, तो 1901 से 1967 तक ये क्या हुआ, 5 विषयों के लिए दिए गए थे, ठीक है, 5 विषय के लिए दिए गए थे। और 5 विषय कौन कौन से थे, देखो 5 विषय थे हमारे, भौतिकी, रसायन, है ना, शांति, भौतिकी, रसायन, शांति, है ना, चिकित्सा, चिकित्सा, और ये फिर शुरू हो गया था अर्थशास्त्र, ठीक है। तो 1967 से ये
अर्थशास्त्र के लिए शुरू किया गया। तो आप क्वेश्चन आपको याद क्या रखना है कि नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुए, किसके द्वारा शुरू किए हैं? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल कहां के वैज्ञानिक थे? स्वीडन, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। 1901 से तो नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हो गया, और नोबेल पुरस्कार मिलते कहां है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का नोबेल है वो कहां मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इतना काम खत्म। जो 19 से शुरुआत को 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इसके बाद 1967 में क्या हुआ? स्वीडन स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने, ये याद रखना, स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल भी देना शुरू कर दिया, ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल देना भी शुरू कर दिया। और लिखो लिखो, अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू किया, और 1969 में पहली बार दिया गया, और 1969 में पहली बार दिया गया। देखो शुरू हुआ था 1967 से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब से शुरू हुआ? 1967। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया? 1969 में, ठीक है, 1969 में। अब हेडिंग डालो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। अब ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय नागरिक या भारतीय व्यक्ति है। लिखो सबसे पहले लिखो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। लिखो 1910 में, 1910 में डब्ल्यू बी वीट्स, एक नाम याद रखना, 1910 में डब्ल्यू बी वीट्स ने टैगोर की गीतांजलि का इंग्लिश अनुवाद किया। टैगोर की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया, टैगोर की गीतांजलि, टैगोर की एक कविता थी गीतांजलि, है ना, गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डब्ल्यू बी वीट्स ने। कब? 1910 में। लिखो किया, लिखो 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल मिला था। भैया यही नोबेल जो स्वीडन में, भाई स्वीडिश, देखो जो स्वीडन में उन नोबेल दिया जाता है वो स्वीडन सरकार देती है, जो स्वीडन देश है ना वो देती है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का नोबेल कौन देता है, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक, कौन देता है? स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाकी नोबेल स्वीडन सरकार देती है, ठीक है। अब इसके बाद डब्ल्यू वीट्स ने क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला? 1913 में। याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला था, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था। इसके बाद लिखो दूसरा, लिखो डॉक्टर सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन। लिखो इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए, इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल मिला। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1968 में हरगोविंद खुराना को, 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल मिला, 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल मिला, 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल मिला। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो वो पूछे कि हरगोविंद खुराना को नोबेल कब मिला? 1968, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन याद रखना हरगोविंद खुराना जो थे वो बायोलॉजी से संबंधित थे, बायो से, जीन संश्लेषण पर इन्होंने किया था, लेकिन इनको मिला था चिकित्सा के लिए, ठीक है। लिखो मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को
1979 में मदर टेरेसा को, 1979 में मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल मिला, शांति के लिए नोबेल मिला। नॉर्वे मिला होगा, नॉर्वे की राजधानी। हाँ, शांति के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मिला था। जो भी शांति का नोबेल होगा बेटा, जो भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, सारे नोबेल तुमको मिलेंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन जो पीस वाला होगा, शांति का होगा, वो कहां दिया जाएगा? शांति का नोबेल आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही मिलेगा। इसके बाद देखो, देखो एस चंद्रशेखर को, देखो एस चंद्रशेखर को 1983 में, एस चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे, एस चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल मिला। ठीक है बेटा, तो 1983 में किसको मिला था? एस चंद्रशेखर को। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा। आपने जो फिजिक्स पढ़ी होगी तो चंद्रशेखर सीमा वो होती है जिसमें परमाणु मैक्सिमम पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, जो एटम होता है ना, परमाणु का जो रेडियस होता है मैक्सिमम चंद्रशेखर सीमा तक ही जाता है वो। ठीक है, जैसे बोर ना, बोर आइंस्टीन मॉडल ना, बोर आइंस्टीन सीमा बनाई थी ना, पांच अवस्थाएं होती है तरल की, ठोस, द्रव, गैस, बोस, आइंस्टीन और प्लाज्मा, पांच होती है। तो उसी तरह से एस चंद्रशेखर ने भी भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा बनाई थी। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा 1983 में, उसके लिए इनको नोबेल मिला था। 1983 याद रखना, जब भारत विश्व कप जीता था, जब भारत वर्ल्ड कप 1983 जीता था, उसी वक्त चंद्रशेखर को नोबेल भी मिला था। ठीक है, इसके बाद देखो अमर्त्य सेन को 1998 में, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में काय के लिए मिला था? अर्थशास्त्र के लिए। अब किसने दिया होगा ये? अर्थशास्त्र के लिए बताओ, ये नोबेल किसने दिया होगा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल? स्वीडन की सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र के नोबेल कब से शुरू हुआ था? 1967 से। पहला नोबेल कब दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए? 1969 में। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि इस समय भारत में कितने बैंक हैं? कितने बैंक राष्ट्रीयकृत, कितने बैंक? गलत, 12। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का मर्ज किसमें हो गया? अब इलाहाबाद बैंक खत्म हो गई, वो बन गई इंडियन बैंक। ठीक है, तो आपने देखा होगा जहां जहां इलाहाबाद बैंक का बोर्ड लगा होगा वहां इंडियन बैंक लग जाएगा। ठीक है, कोलैबोरेशन हो गया है 10 बैंकों का। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, 12। हाँ, इस समय 12 है। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। ठीक है, भारत में पहली ग्रामीण बैंक कब खोली गई थी? ग्रामीण बैंक, ये क्वेश्चन 10+2 पूछेगा महाराज। ठीक है, 1975 1975, तभी पहले बैंक के अंदर आम आदमी नहीं जा पाता था, इंदिरा गांधी ने यह काम किया था कि आम आदमी बैंक के अंदर गया था। ठीक है, इसके बाद लिखो अमर्त्य सेन, लिखो फिर नेक्स्ट पॉइंट को, वी एस नायपाल को 2001 में, साहित्य का नोबेल मिला, वी एस नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। ठीक है, साहित्य का नोबेल। इसके बाद लिखो कैलाश सत्यार्थी को,
कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला। लिखो वेंकट रमन रामकृष्ण को, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल मिला। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल मिला। अब देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए, गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नॉमिनेट हुए थे बताओ, पता है तुमने? गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नॉमिनेट हुए थे? 5 बार। और मिला कितनी बार था? 0 बार। ठीक है, 0 बार उनको मिला था। अच्छा 5 बार कब कब नॉमिनेट हुए थे क्या आपको पता है? देखो 1937, 38, 39, 47 और 48। ये नॉमिनेशन सीजन है गांधी जी के। गांधी जी का नाम भेजा गया था कि भाई उनका दे दो कुछ ना कुछ, लेकिन इन्हें नहीं मिला था। ठीक है, इन्हें 1937, 38, 39, 47 और 48 इन्हें नोबेल नहीं मिला था। याद रखना गांधी जी को एक बार भी नोबेल नहीं मिला है। गांधी जी ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? खत्म हो गया। गांधी जी ने एकमात्र 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, याद रखना 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी। एक पॉइंट लो, प्रत्येक अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। प्रत्येक अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। प्रत्येक अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह सम्मान मिल सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह सम्मान मिल सकता है। अब तक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल दिया जा चुका है। अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल दिया जा चुका है। अब वो दो के नाम देखो, एक 1931 में दिया गया था और एक 1961 में दिया गया था। 1961 में डैंग हैमरशोल्ड थे और 1931 में 1931 में कार्ल फ्लड, 1931 में कार्ल फल्डट तथा 1961 में डैंग हैमरशोल्ड, 1961 में डैंग हैमरशोल्ड, 1961 में डैंग हैमर शोल्ड। डैंग हैमर शोल्ड कौन थे भाई? ये वो थे यूएनओ के महासचिव थे, यूएन के महासचिव थे और इनकी जो दुर्घटना हुई थी वो विमान हादसे में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा यूएन का महासचिव था जिसकी मृत्यु दुर्घटना विमान दुर्घटना में हुई, तो वो थे डैंग हैमर शोल्ड। ठीक है, देखो 1974 में लास्ट है बेटा, लास्ट 1974 में यह घोषणा हुई कि मृत व्यक्तियों को नोबेल नहीं मिलेगा। 1974 में 1974 के बाद
मृत व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, मृत व्यक्तियों को नोबेल नहीं मिलेगा। तो बस नोबेल से जुड़ी इतनी चीजें थी। अब इसमें एक चीज और बची है कि कुछ ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको दो बार नोबेल मिला है, ठीक है, जैसे मैडम क्यूरी हुई है ना, इनको दो बार मिल चुका है। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में अलग मिला है, केमिस्ट्री में अलग मिला है, या कुछ को फिजिक्स में मिला है। तीन शायद ऐसे हुए हैं, हाँ चार साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको दो बार नोबेल मिल चुका है। तो अभी तक देखो नोबेल को जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हमने स्पेशली इसमें वो बताया कि भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो भारत के लिए मिला था। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लो, 1901 में नोबेल शुरू हुआ, ठीक है, नोबेल शुरू कब हुआ था, 1901 में, ठीक है, कहां से शुरू हुआ, स्वीडन से, स्वीडन से। तो जो 1901 में जो शुरू हुआ था तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन छह क्षेत्र कब से हुए, 1967 से, 1967 से अर्थशास्त्र का नोबेल जोड़ा गया, किसके द्वारा, स्वीडन स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा 1967 में जोड़ा गया, जो कि पहली बार कब दिया गया, 1969 में, पहली बार 1969 में दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 1974 से यह घोषणा हुई कि भाई अब मृत व्यक्तियों को यह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पहला 1913 में किसको मिला था, रवीन्द्रनाथ टैगोर को, किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, WC Wint ने, ठीक है। इसके बाद V.S. नायपॉल को मिला था 2001 में, अमर्त सेन को मिला 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ एक और महिला थी, उस महिला का नाम बताओ, मलाला, मलाला यूसुफजई, कहां की है ये, पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की। इसके बाद दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद नोबेल मिला था, एक 1931, एक 1961। 61 वाले हैं डैग हैमरशोल्ड और 31 में कार्ल फ्लट्स, है ना, कार्ल फ्लट्स जो भी है। तो जब मरने के बाद इनको 1931 और 1961 में दिया गया, तो 1974 में यह घोषणा कर दी गई कि भाई अब किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये इसको नहीं दिया जाएगा। 1983 में किसको मिला था भाई, 1983 में किसको नोबेल मिला था, चंद्रशेखर को, ठीक है, चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। अब इसके बाद 1983 में किसको मिला था, चंद्रशेखर को। तो भाई 1913 हो गया, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद 1930 हो गया रमन, रमन डॉक्टर सीवी रमन, 1968 हो गया हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, चिकित्सा, भाई ये याद रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। 1979 में किसको मिला था, मदर टेरेसा को, किसके क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र का नोबेल कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, भाई ये याद रखना, शांति का ओस्लो है, बाकी सब कहां है, स्वीडन। और अर्थशास्त्र वाला कौन देता है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब इसके बाद लिखो, दो बार नोबेल जीतने वाले व्यक्ति, दो बार नोबेल जीतने वाले व्यक्ति, दो बार नोबेल जीतने वाले व्यक्ति, ठीक है, दो बार नोबेल जीतने वाले व्यक्ति। अब देखो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार नोबेल पुरस्कार जीता है, जिन्होंने दो दो बार नोबेल पुरस्कार जीता है। लिखो सबसे, लिखो मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी भी लिखो, 1903 में भौतिकी तथा 1911 में रसायन, 1903 में भौतिकी तथा 1911 में रसायन, इन्होंने को तो अलग अलग मिला है, ये मैडम क्यूरी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ऐसा ऐसा व्यक्ति जिनको भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्र में नोबेल मिला, मैडम क्यूरी। इसके बाद लिखो लीनस पॉलिंग, नीलस पॉलिंग, नीलस पॉलिंग, लिखो 1954 में रसायन, 1954 में रसायन तथा 1962 में शांति, 1962 में शांति, ठीक है। ये देखो फ्रेमिंग याद कर लेना भाई, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री और पीस है, ठीक है। पॉलिंग जो है वो पॉलिंग को कायम मिला था रसायन में और शांति दोनों मिला था, ठीक है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिखो जॉन बॉर्डीन,
जॉन बॉर्डीन, जॉन बॉर्डीन, जॉन बॉर्डीन में लिखू 1956 और 1972, 1956 और 1972 फिजिक्स के, भौतिकी के लिए 1956 और 1972 भौतिकी के लिए। वह व्यक्ति जिसको दो भौतिकी में दो बार नोबेल मिला है, जॉन बॉर्डन, ठीक है, जॉन बॉर्डन, ठीक है। देखो ऐसे याद करना है, दो बार भौतिकी जॉन बॉर्डन, एक बार भौतिकी एक बार केमिस्ट्री मैडम क्यूरी, ठीक है। अब लास्ट लिख लो, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर में लिखो 1958 और 1980, 1958 और 1980, इसमें लिख लो भैया ये रसायन। फ्रेडरिक सेंगर, जॉन बॉर्डीन, जॉन बॉर्डीन, ठीक है। 3 और 11, देखो ये तीनों आ गए। देखो एक एक जो एक पर्सन है जिसका नाम है लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस में मिला है, लिनस पॉलिंग, पॉलिंग मतलब पीस, पीस और शांति, बात खत्म करो। अब देखो ये तीन याद करो, दोनों फिजिक्स दोनों केमिस्ट्री, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री। अब देखो इससे फ्रेमिंग कैसे होगी आपके एग्जाम में, एकमात्र व्यक्ति जिसको रसायन के लिए दो बार नोबेल मिला, आपका आंसर होगा फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। एकमात्र व्यक्ति जिसको फिजिक्स के लिए दो बार नोबेल मिला, जॉन बॉर्डीन। और एकमात्र व्यक्ति या महिला जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल मिला, या एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको दो क्षेत्रों में नोबेल दिया गया, भाई दो क्षेत्र, केमिस्ट्री का अलग फिजिक्स का अलग, तीनों फ्रेमिंग समझ में आई, ठीक है। और अगर भाई आपको पूछ ले पॉलिंग का, पॉलिंग है तो रसायन और शांति, ये 1900, ये शांति 1972 है, नहीं सॉरी अभी देख लेते पॉलिंग, पॉलिंग जो है पॉलिंग को केमिस्ट्री और शांति में मिला था, रसायन और शांति के लिए पॉलिंग को दिया गया ना, ठीक है, जबकि फिजिक्स के लिए बॉर्डीन, केमिस्ट्री के लिए फ्रेडरिक सेंगर और मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। ये समझ में आया नोबेल जी, तो ये आपका नोबेल था, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं कि एकमात्र व्यक्ति जिसको दो अलग क्षेत्रों में नोबेल मिला है क्यूरी, रसायन में दोनों को सेंगर, ठीक है, और भौतिकी में जॉन बॉर्डीन। तो ये अच्छा नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी भाई, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था, डायनामाइट, डायनामाइट का उपयोग कहां करते हैं हम लोग, डायनामाइट विस्फोट करने, ठीक है, विस्फोट करने में इसको इसका उपयोग करते हैं। लिखो लिखो रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस को तीन बार शांति का नोबेल मिल चुका है, रेड क्रॉस को तीन बार शांति का नोबेल मिल चुका है। रेड क्रॉस का नाम सुना है, हाँ, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट। आप देखो रेड क्रॉस का मतलब देखो हम आपको बताते हैं, आज डॉक्टर हेल्प में देखा है लाल लाल ऐसे बना होता है, डॉक्टरी हेल्प में लाल ऐसे बना होता है लाल, जब देखो जब कहीं युद्ध वगैरह होते हैं तो ये इलाज के लिए जाते हैं। इनको एक बार मिला था 1917, फिर 1944 और तीसरा कब था 1963। देखो तीनों ही युद्ध के सेशन थे, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 14 से 18 हुआ था, 1944 में दूसरा युद्ध चल रहा था 39 से 45, और 1963 में क्या था भारत चीन 1962 हुआ था, उसके बाद जो सेशन था। तो ये तीनों युद्ध में रेड क्रॉस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस देने का मतलब है जो भी घायल व्यक्ति थे उनको इन्होंने अस्पतालों तक पहुंचाया, तो इसको शांति का नोबेल मिला है। तीन बार ये क्वेश्चन पूछा था कि शांति का नोबेल सबसे ज्यादा किसे मिल चुका है। अच्छा एक क्वेश्चन और, 2021 के लिए, 2021 के लिए शांति के नोबेल को किसको नॉमिनेट किया गया है, अरे डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप,
डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्यों किया गया है? ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। नोबेल वोबेल करंट वगैरह यार ठीक है, करंट खूब किताबें आराम से बैठ के पढ़ना। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति और महिला, सबसे युवा लिखो, सबसे युवा पुरुष नोबेल, सबसे युवा नोबेल लेने वाला पुरुष, सबसे कम उम्र में नोबेल लेने वाला पुरुष लिखो, लॉरेंस ब्रैग, लॉरेंस ब्रैग, लॉरेंस ब्रैग कितने साल का? 25 साल का, 25 साल का। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र की महिला है मलाला यूसुफजई, भैया ये 17 साल की है। इंडिया है? इंडिया की नहीं, मलाला कहां की भाई? पाकिस्तान। ठीक है, देखो सबसे कम उम्र का जो मेल है वो लॉरेंस ब्रैग है और जो महिला है वो मलाला यूसुफजई है। जो ब्रैग है कि उसकी एज कितनी? 25, और जो महिला उसकी एज कितनी है? 17। ठीक है, उसकी एज है 17। लॉरेंस कहां गया? ये ब्रिटेन, लॉरेंस ब्रैग ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद लिखो सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र का नोबेल लियोनिद हरक्विज को मिला, लियोनिद हरक्विज को मिला, लियोनिद हरक्विज, लियोनिद, लियोनिद हरक्विज को मिला, सबसे अधिक उम्र में नोबेल लियोनिद हरक्विज को मिला। ठीक है, तो ये आपका सेशन था, 1901 से शुरू हुआ, और एक इसमें ये लिख लेना 1940 से 42 तक नोबेल नहीं दिया गया, 1940 से 42 तक नोबेल नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1940-42 में नोबेल नहीं मिला था। ठीक है, तो ये आपको पूरा नोबेल का इतिहास हो गया। ठीक है, नोबेल से क्वेश्चन, और इसके साथ साथ 2020 के नोबेल आपको और पढ़ लेने में, ठीक है, 2020 के नोबेल आपको पढ़ लेने 2000